तो मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आरजे फाइजा। थोड़ा सा अपने बारे में अपनी कहानी बताना चाहूँगी आपको। दरअसल जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं और उसके बाद बहुत सारी सिचुएशंस को हैंडल करने के बाद आज मैं एक अलग जगह पर हूँ। आज मैं एक रेडियो जॉकी हूँ और फर्स्ट फीमेल रेडियो जॉकी ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुंछ, और मुझे ये बात कहते हुए बहुत गर्व महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा बताना चाहूँगी अपने बारे में कि स्कूलिंग करने के बाद जब मैं कॉलेज में आई तो इन 2014 माई फादर वॉज डाइड इन सऊदी अरबिया। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था और जिसके बाद कि मेरी ज़िंदगी पूरी चेंज हो गई थी। मुझे लगा था कि शायद अब मेरी ज़िंदगी में कभी सूरज ना निकले, लेकिन उसके बाद जैसे किसी करके मैंने अपनी क्वालिफिकेशन पूरी की और कुछ स्कूल्स में, कुछ कॉलेज, कुछ इंस्टीट्यूशन में काम करके घर का सर्कल भी चलाया। मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि घर पर एक बड़ी बेटी के साथ साथ मैंने घर का एक बड़ा बेटा बनकर, एक अच्छा फर्ज बनकर अपनी सारी जिम्मेदारियाँ अदा की। और उसके बाद अचानक मेरे एक मामू हैं, उनने मुझे बताया इन 2022 फरवरी में कि हमारे यहाँ पर सुरनकोट में, तहसील सुरनकोट में कोठा में एक इंडियन आर्मी की तरफ से एक इनिशिएटिव आ रहा है रेडियो। तो उनने मुझे कहा कि अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो आप वहाँ पर एक दफ़ा इंटरव्यू दें, वहाँ पर अप्लाई करें। तो मुझे शुरू से शौक़ था कि मैं स्क्रिप्ट राइटर हूँ, मैं लिखती हूँ, पोइट्रीज लिखती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। और उसके साथ साथ लाइफ में कुछ इस तरह की ट्रेजिडीज़ होगी जिसकी वजह से मुझे मौका नहीं मिला। और जब मैं यहाँ पर आई, मैंने वहाँ पर जाकर के इंटरव्यू दिया, मैं जब वो सारे राउंड क्लियर किए तो आज मैं आपके सामने सिर्फ फ़ायज़ा नहीं हूँ बल्कि फर्स्ट फीमेल रेडियो जॉकी आरजे फ़ायज़ा हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरी ज़िंदगी इस रेडियो स्टेशन की वजह से, इस प्लेटफॉर्म की वजह से बिल्कुल बदल चुकी है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कहीं जाती हूँ और मुझे बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं, इनकर्ज करते हैं। सोसाइटी के लिए मैं कोई काम करती हूँ और ख़ास करके वीमेंस के लिए, अपनी फीमेल्स के लिए जब मैं बात करती हूँ तो फीलिंग प्राउड, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम है आरजे माजिद। जिस तरह से आप मुझे डिजिटल हैंडल्स पे, रेडियो पे ऑन एयर सुनते हैं, मैं बारामूला से हूँ, कश्मीर से, जैसे कि सुरनकोट पुंछ को मिनी कश्मीर कहा जाता है और मैं कश्मीर से। तो ये कश्मीर से सफ़र शुरू हुआ। मैं छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स करता था रेडियो में, ऑल इंडिया रेडियो में मैंने काम किया, एक नेशनल ब्रांड में मैंने काम किया 98.3 रेडियो मिर्ची में, लेकिन वहाँ मुझे छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते थे, उनकी वजह से भी लोग जानते हैं। लेकिन फाइनली जो मेरा सपना था रेडियो जॉकी बनने का, वो पुंछ में आकर पूरा हुआ और उसका क्रेडिट सारा जाता है इंडियन आर्मी को। उन्होंने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, अगर नहीं किया होता तो आज मैं रेडियो जॉकी शायद ही नहीं होता, इसी फील्ड में कहीं व्लॉग्स वगैरह बनाता होता, लेकिन रेडियो, एक प्रॉपर रेडियो जॉकी नहीं होता। तो मैं क्रेडिट गोज इंडियन आर्मी जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, जिसकी वजह से आज कश्मीर से लेकर जम्मू, दिल्ली, इवन के हमारा बॉर्डर के पार भी हमारा रेंज, ये हमारा सोशल मीडिया पे लोग हमें देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। और जिस तरह से मेरी फैमिली, खासकर उनको फ़ख्र है इस चीज़ पे कि मैंने अपने सपने पूरे किए हैं, मैं आज एक प्रॉपर रेडियो जॉकी हूँ। कम्प्लीटली अगर मेरी लाइफ की बात करें, कम्प्लीटली चेंज हो गई। जैसे कि सो कॉल्ड रिलेटिव्स होते हैं, वो मेरे पेरेंट्स को ये कहते थे कि आपका जो बच्चा है ये शायद अपना वक्त ज़ाया कर रहा है, ये कुछ नहीं करेगा। उनको भी आज ये लग रहा है, नहीं, इसने अपने सपने पूरे किए और अपनी फैमिली को भी मैं सपोर्ट कर रहा हूँ फाइनेंशियली और बाकी चीज़ें भी। बींगे मैं बड़ा हूँ फैमिली में, फाइनेंशियली भी सपोर्ट हो रहा है और साथ साथ मेरे सपने भी पूरे हो रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म की वजह से हम दिल्ली, तो मैं दिल्ली में पहले जॉब भी करता था, लेकिन दिल्ली भी पहुँचे, वहाँ ट्रेनिंग हुई, जम्मू में ट्रेनिंग हुई, बड़े बड़े ऑफिशियल्स आते हैं, उनसे मिलने का मौका मिलता है, यहाँ के कल्चर को जानने का मौका मिला, यहाँ के लोगों से बात की, उनके इंटरव्यूज़ किए। और इतने टैलेंटेड लोग हैं सुरनकोट पुंछ में, बस उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं था जो इंडियन आर्मी की वजह से मिला, जिसका नाम है रेडियो फ्री पंजाब 90.4 FM। लोगों की लाइफ भी बदल रहा है ये रेडियो, और साथ साथ हमारी लाइफ भी इसने बदली है। वंस अगेन थैंक यू इंडियन आर्मी जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। मेरा नाम है